सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। पीछे के पाठ से पूछना है। योग दर्शन के दूसरे पाद के 26वें नंबर सूत्र में भाष्य में तीसरी पंक्ति पर लिखा है, तदा विधूत क्लेश रजसः। तो यहाँ पर रजस की ही बात क्यों कर रहे हैं, तमस की भी बात क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि तमस भी तो अवरोधक होता है। हाँ, तमोगुण उसमें अंतर्नीति ही है। दोष अविद्या आदि दोष जो है वो रजोगुण प्रधान होते हैं, इसलिए रजस का ही नाम लिया। अविद्या आदि क्लेश बताइए ना। और चलिए आगे चलते हैं फिर। प्रसंग क्या चल रहा था, क्या प्रसंग चल रहा था? प्रसंग चल रहा था जो चार स्तंभ हैं योग के मुख्य, हेय हेय हेतु हान हानोपाय। हेय था अनागत दुख, हेय का हेतु था बोलो संयोग, दृष्टा और दृश्य का संयोग, और उसका भी हेतु अविद्या। और हान है कि दृष्टा दृशि मात्र शुद्धोपि प्रत्यानुपश्य, और उस हान का उपाय था अविप्लवा विवेक ख्याति, अखंडित विवेक ख्याति, ये उसका उपाय है। फिर उस विवेक ख्याति के भी सात प्रकार कल बताए कि विवेक ख्याति में चार स्टेप तो ऐसे हैं जो कार्य विमुक्ति के हैं, और तीन ऐसे हैं जो निवृत्ति वाले हैं, चित्त विमुक्ति वाले हैं, चित्त की निवृत्ति वाले हैं। तो अब ये तो हमें मालूम पड़ गया कि जो दुख हमने भोग लिए हैं वो तो भोग लिए हैं, और वर्तमान में जो दुख आ गया है वो भी आ चुका है, आने वाले को हम हटा सकते हैं, ये हमारे पास चॉइस है, ये हमने जान लिया है। और उसको हटाने का तरीका भी हमें मालूम पड़ गया है। उसको हटाने का तरीका क्या है? अखंड रूप से ज्ञान की स्थिति को बनाए रखना, विवेक ख्याति को बनाए रखना, और वो कभी टूटे नहीं, अखंडित रूप से अबाधित रूप से बनी रही। लेकिन बनाए कैसे? वो तो टूट जाती है हमारी, तो करें कैसे? ये तो मालूम है कि यदि हम निरंतर ज्ञान की स्थिति में रहें तो अज्ञान को घुसने को अवसर ही नहीं है, और अज्ञान और अविद्या को यदि अवसर नहीं है तो कष्ट भी नहीं है। लेकिन बनाएं कैसे? कोई व्यक्ति बोलता है आप कमजोर हैं, आपको बलवान होना चाहिए ताकि आप रोगी ना पड़ें। लेकिन बलवान हो कैसे, ये तो बताओ। तो ये बता रहे हैं, उसका तरीका बता रहे हैं। सिद्धा भवति विवेक ख्याति हानोपाय इति। विवेक ख्याति हान का उपाय है, ये सिद्ध हो चुका है। सिद्धा भवति, ये तो हमने जान लिया है कि विवेक ख्याति हान का उपाय है, आनंद का उपाय है, दुख मुक्ति का उपाय है। न च सिद्धि ही अंतरेण साधनम इति एतत् आरभ्यते। लेकिन साधन के बिना तो सिद्धि नहीं होती है ना। सिद्धि के लिए हमेशा क्या चाहिए? साधन। तो साधन के बिना नहीं हो सकती है कोई भी सिद्धि, साधन भी बहुत जरूरी है। इसलिए ये भी एक भूल रही है निस्त्रेस के मार्ग में ना, कई साधकों से ये भूल हो जाती है और
बहुत ज़्यादा मोस्टली साधकों से ये भूल तो रही रही है कि वो केवल सिद्धि के ऊपर ही पूरा अपना 100% समय और शक्ति एकाग्र करते हैं, साधन की वो उपेक्षा कर देते हैं। तो साधन की उपेक्षा करते हैं तो फिर ज़्यादातर फिर जो गहन साधना करने वाले हैं वो फिर रोगी हो जाते हैं, क्योंकि ना वो खाने पीने के ऊपर ध्यान देते हैं, कब खाना है, कितना खाना है क्या नहीं खाना है, या तो खाते ही नहीं है बिल्कुल भी, या तो फिर उनके भक्तजन जो ले आते हैं वो अगर बहुत गरिष्ठ खाना ले आए, और ये पुरुषार्थ नहीं करते हैं, तो उस गरिष्ठ खाने को खाएंगे तो पहले मोटापा आएगा, फिर मोटापे के बाद डायबिटीज आएगा, फिर हार्ट अटैक आएगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, तो ये सब आएंगे। और यदि वो ऐसा खाना ले आए जो इनकी प्रकृति के विरुद्ध है, मान लो इनकी वात प्रकृति है, और वो बना के लाएं भिंडी गोभी चना मटर, तो फिर इसका वात बढ़ जाएगा, तो इसको पेन बढ़ जाएगा। तो ये इस तरह की साधन है ना शरीर, फिर साधन खराब हो जाता है तो फिर सिद्धि में बाधक बन जाता है, तो सिद्धि फिर मिलती नहीं है। ये तो बात हुई शरीर और इंद्रियों के साधन की। तो शरीर और इंद्रिय रूपी साधन को ठीक रखना बहुत ज़रूरी है, और इसको ठीक रखने के चक्कर में कहीं राग द्वेष आसक्ति ना हो जाए, ये ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी है। फिर इसके साथ साथ और एक भूल हुई, और वो भूल हुई भौतिक समृद्धि की, कि हमें तो केवल आध्यात्मिक सिद्धि चाहिए, इसलिए भौतिक समृद्धि से दूर रहो। तो बहुत सारे महात्मा पहले, अभी तो थोड़ा जमाना चेंज हो गया, एक बीच में ऐसा कालखंड आया कि जब सन्यासियों को पैसा छूना भी नहीं है, टच भी नहीं करना है, टच करे तो फिर उसकी तपस्या कम, जो भी टच कर ले, और टच ना करे तो अंदर भले ही आसक्ति बनी रहो वो ही सिद्ध महात्मा। तो उन्होंने कहा हम टच ही नहीं करेंगे, ये हमारे लिए नहीं है, ऐश्वर्य धन हमारे लिए नहीं है, ये हमारे लिए सब कंकर पत्थर मिट्टी है, धूरी के सामान है हमारे लिए। तो उस समय फिर विदेशी लोगों ने आक्रमण करने शुरू कर दिए कि आपके लिए कंकर पत्थर है, हमारे लिए तो सोना चांदी हीरे जवाहरात हैं। तो वो मंदिरों का ही उठा उठा के ले गए सोना, सोमनाथ मंदिर को कितनी बार लूटा, 16 बार, 16 बार लूट के ले गए, और सब पुजारी और भक्तजन बैठे बैठे कि जो करना है वो भगवान सोमनाथ करेंगे, हमें नहीं कुछ करना। अभी भगवान सोमनाथ ने तो आपको बिठा रखा है, तो आप भी कुछ हाथ पैर हिला लो, नहीं हिलाया, सब ले गए लूट के। फिर सब जब पूरा देश खाली हो गया, यहाँ कुछ बचा नहीं, ढेला पाई, तो फिर विदेश जाने के लिए हनुमान चालीसा पढ़ने लगे कि हमारा वीजा लग जाए किसी तरह से, कुछ रिश्वत दे के भी लग जाए, हमें विदेश जाना है। क्यों जाना है, साधु संतों को भी जाना है और नौजवानों को भी जाना है। साधु संतों को वहाँ जाके प्रवचन दे करके धन लाना है दक्षिणा में, इसलिए जाता है। कुछ छोटा मोटा योग एक्सरसाइज करवा करके, उनको योगा सिखा करके वहाँ से पैसे लाने हैं, यहाँ तो कोई देता नहीं है। और कुछ थोड़ा बहुत मिलता था वो स्वामी जी ने और वो काट दिया उनका, क्योंकि यहाँ जब कोई पैसे मांगता है योग के लिए तो बोलते हैं बाबा जी की 1,00,000 कक्षाएं चलती हैं, प्रतिदिन सुबह सुबह वहाँ जाके सिखाएंगे हम, तो कोई देता नहीं है यहाँ, तो अब क्यों जाते हैं फिर, जब वो इतना ही बुरी चीज़ थी। तो वास्तव में धन तो ईश्वर की एक शक्ति है, और हमारे ऋषियों ने तो हजारों वर्षों पहले कह दिया था ये, या तो अभ्युदय निश्रेष सिद्धि, सब प्रकार से चहुमुखी उन्नति होनी चाहिए व्यक्ति की, शरीर की भी उन्नति हो, ज्ञान की भी उन्नति हो, बुद्धि की भी उन्नति हो, इंद्रियों की भी उन्नति हो, भौतिक ऐश्वर्य की भी उन्नति हो, आध्यात्मिक शक्तियों की भी उन्नति हो, तब माना जाएगा कि वो व्यक्ति धार्मिक है। धार्मिक धर्म नाम है सर्वांगीण विकास का, किसी एक अंग के बढ़ने का नाम धर्म नहीं है। तो ये धन तो एक शक्ति है ईश्वर की, और जब वो शक्ति देवों के पास नहीं रही तो फिर वो कहाँ जाएगी,
असुरों के पास जाएगी, असुर ले गए उसको। और असुरों के पास कोई चीज यदि जाती है तो वो कैसे प्रयोग करेंगे? आसुरी तरीके से ही करेंगे, जो उनका तरीका है। वो उस शक्ति का प्रयोग कैसे करेंगे? खाने में, पीने में, लुटाने में, सारा भोगों में यूज करेंगे वो, क्योंकि उनके पास सेवा का तो कोई विजन हो ही नहीं सकता है। वो तो देवों के पास होता है, देवता कस्मात, देवता दानात, वो देते हैं। वो तो देते नहीं, वो तो लूट के खाते हैं, और तो भी उनका कभी भी भरता नहीं है पेट, वो असुर होते हैं। तो आज भी जो हमारा स्वदेशी का अभियान चला है, तो उसमें स्वामी जी को तो अपने ऊपर 5 रुपए भी खर्च करने नहीं है। 2 कपड़े हैं तो वो फटते नहीं है, 1 वर्ष तक भी 2 वर्ष तक भी फटते नहीं है, खड़ाऊं टूटते नहीं है। तो फिर किस लिए पुरुषार्थ करते हैं, इतनी मेहनत क्यों करते हैं? स्वदेशी अभियान ये केवल एक कोई अपनी कंपनी के प्रोडक्ट बेचने के लिए नहीं है। पतंजलि एक कोई कंपनी का नाम नहीं है, पतंजलि एक बहुत बड़ा अभियान है, एक बहुत बड़ा आंदोलन है। और वो सारी शक्ति आज जो हमारे नौजवान विदेशी कंपनियों में दिन भर मेहनत करते हैं, प्रोडक्ट्स यहीं तो तैयार होते हैं, सारे सारे भारत में तैयार होते हैं, रॉ मटेरियल हमारा है, और कोई बहुत बड़ी प्रोसेसिंग भी नहीं है उसमें कोई, जैसे चिप्स बनाना है, चटनी बनाना है, कौन सी टेक्नोलॉजी है उसमें? हमारी माताएं बनाती हैं घर में। 5 रुपए किलो आलू खरीद के 5,000 रुपए किलो चिप्स देना, कौन सी टेक्नोलॉजी है उसमें? तो बाकी के सारे पैसे कहाँ जाते हैं? विदेश में जाते हैं। यही हाल दवाओं में है। जैसे एक वो हार्ट में जो स्टंग डालते हैं, तो वो जो पेन की जो वो होती है स्प्रिंग, ऐसा ही तो स्प्रिंग है बिल्कुल, तो उनको एक बार बोलते हैं ये एंजियोप्लास्टी करवाना पड़ेगा। जैसे मोटापा बढ़ा, फिर वो करवाया तो बोले ब्लॉकेज हैं, तो इसमें स्टंट डालना पड़ेगा, तो वो स्प्रिंग डाल दी। अब वो उसका कारण तो हटाया नहीं, थोड़े दिन के बाद वो उसके चारों तरफ भी कोलेस्ट्रॉल और वो मोटापा मांस आदि बढ़ करके फिर वो भी रुक जाता है, तो फिर बोले दोबारा करो। स्प्रिंग जैसा जो यंत्र है तो $3 से $5 में बन जाता है अमेरिका में। $3 से $5 का मतलब है $1 की कीमत लगभग 150 या 180 है। $5 है यदि तो कितना हो गया? 350 हो गया। और यदि $3 है तो कितना हो गया? 8 या 24, 240 हो गया। तो मतलब वो 250-300 रुपए की है वो वास्तव में उसकी कीमत। और यहाँ आकर के वही स्प्रिंग 2.5 लाख, 3 लाख, 5 लाख में मिलती है। डॉक्टर क्यों लिखते हैं? क्योंकि उनको तो बड़ी कमीशन मिलता है, मोटा कमीशन मिलता है, तो बार बार उसको लिखते हैं। तो ये सारा का सारा ये चक्र चल क्या रहा है? आज भी लेके जा रहे हैं विदेश में सब पैसे। तो उसको रोकना, जैसे एक अभियान चला था राजनीतिक आजादी का, और वो भी किसी सन्यासी ने शुरू किया था। सबसे पहले राजनीतिक आजादी के लिए जब लगभग 200 वर्षों से अंग्रेज यहाँ लगे हुए थे, उस माहौल में किसी की ये हिम्मत भी नहीं थी कि कोई आजादी का एक श्वास तो ले सके, कोई सोच भी नहीं सकता था। और उस समय एक निर्भीक सन्यासी ने कहा कि स्वराज्य होना चाहिए। सबसे पहले स्वराज्य शब्द की उद्घोषणा महर्षि दयानंद ने की थी उस समय में, वेदों से लेकर के। तो किसी के ख्याल में भी नहीं था, ऐसे इन्वायरमेंट में गुलामी जब चारों तरफ एकदम ऐसे सन्नाटा है, ऐसे उस माहौल में आजादी की बात करना। तो सबसे पहला नेतृत्व महर्षि दयानंद ने किया था राजनीतिक आजादी का। महारानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, ये मिलते थे महर्षि दयानंद से, विचार विमर्श करते थे इसके बारे में वो, कि कैसे हम इनसे पीछा छुड़ाएं। ये तो आए तो एक कंपनी के रूप में थे, और अभी तो इन्होंने पूरा कब्जा ही जमा लिया। और मुझे तो लगता है कि फिर वही आत्मा लगभग अभी लगभग 200 वर्षों के बाद फिर से आ गई। आज भी ये जो पतंजलि का स्वदेशी अभियान है, ये कोई मात्र एक कंपनी के प्रोडक्ट की बात नहीं है, ये भारत की आर्थिक आजादी का अभियान है।
वो राजनीतिक आजादी का अभियान था। तो ये आज मतलब हमें फांसी पर हैंग होने की आवश्यकता नहीं है, आज हमें इस आजादी के लिए अपने स्वदेशी के मिशन को अपनाने की आवश्यकता है हर भारतवासी को। तो ये एक आंदोलन के जैसे चलना चाहिए। क्यों? क्योंकि यदि वो सारे इस भगवान की शक्ति को, धन को, ऐश्वर्य को लूट के ले जाएंगे असुर, तो वो किस में प्रयोग करेंगे इसका? भोगों में। उनके पास और कोई विजन थोड़ी है। और यदि वो भारत में रहेगा तो भारत के लोगों में तो उनको उनके जीन्स में ही वो चीज है, सेवा, निष्काम की भावना। तो भारत में यदि वो रहेगा तो वो निश्चित रूप से सेवा में लगेगा। चलो स्वामी जी महाराज तो एक सन्यासी हैं, तो उनको तो 100% प्रॉफिट सेवा में लगाना ही है, लगा ही रहे हैं। लेकिन उनके अतिरिक्त भी यदि किसी के पास रहेगा भारत में, तो भारत वाले लोगों की जो मेंटेलिटी है, उनका जो डीएनए का स्ट्रक्चर है, वो क्या है? वो सेवा का है, वो अध्यात्म का है, स्पिरिचुअलिटी का है। अपवाद रूप में कोई उड़ाएगा ये हो सकता है, लेकिन यहां रहेगा तो वो फिर भी सेवा में लगेगा। तो ये इन्होंने बता तो दिया कि इसका उपाय क्या है। तो उपाय है इसका विवेक ख्याति को बनाए रखने का ज्ञान। वो रहे कैसे, ये है, वो कैसे बना रहे, नहीं तो विवेक ख्याति तो टूट जाती है। और विवेक ख्याति टूटते ही फिर ये सारी बाधाएं आती हैं। तो इस धार्मिक व्यक्ति को, जिसको अपने आप को भी जानना है, अपने आप को भी ठीक रखना है और अपने समाज को भी ठीक रखना है, अपने संसार को भी ठीक रखना है, वो व्यक्ति क्या करे? तो उसका उपाय बता रहे हैं। क्योंकि कितना भी व्यक्ति ध्यान करे, प्राणायाम करे, लेकिन जब उसकी छत में चौवा आएगा, पानी गिरेगा, तो छत के बारे में सोचना पड़ेगा ना। और जब उसको 2 दिन खाना नहीं मिलेगा तो शरीर मांगेगा खाना, कहेगा कहीं से खाना लाओ, तो भजन में बाधा आएगी ना। तो भजन तो निर्बाध तो तभी हो सकेगा जब जितना चाहिए वो उसको मिल जाए, जितनी उसकी आवश्यकता है। किसी को तो हमारे यहाँ पर अपने अष्टांग योग में क्या है, अपरिग्रह, इसी को अपरिग्रह कहा ना भाई। अपरिग्रह का मतलब है जितनी आवश्यक है पर उतनी तो मिलनी चाहिए, उतनी भी नहीं मिले तो भी बाधा आएगी। तो कैसे हम और मान लो हमारी मिनिमम मिल गई और जिनके साथ एक भावनाओं का भी तो रिश्ता जुड़ जाता है ना, साधक का भी, सन्यासी का भी, अपने घर तो बार तो छोड़ के आ गई, पर यहाँ उसके आश्रम के सामने ही कोई उसका पड़ोसी तड़फ रहा है, तो इसका ध्यान लग जाएगा क्या कि मरते हैं तो मरने दो, मुझे तो ध्यान करना नहीं हो पाएगा। क्योंकि उसके अंदर एक भावना ही तो काम कर रही है, हार्ट है, उसको लगेगा कि ये भी ठीक हो। तो जब अपने आसपास भी सब ठीक रहेगा, जिनसे हमारा भावनाओं का रिश्ता है वो भी ठीक रहे, हमारा शरीर भी ठीक रहे, तो उस स्थिति में भजन निर्बाध गति से हो सकता है। तो उस सब का उपाय यहाँ पर महर्षि पतंजलि ने उस समय बता दिया था, आज नहीं, हजारों वर्षों पहले वो उपाय आज बता रहे हैं। तो हम पढ़ेंगे इसको। ये कह रहे हैं, नत सिद्धि अंतरेण साधनम। कोई भी सिद्धि साधन के बिना नहीं होती है, तो साधन का भी उतना ही महत्व है। ये ठीक है कि लक्ष्य पर पहुंचने के बाद साधन को फिर किसी और के लिए छोड़ देना होता है, अब कोई और यूज करेगा उसका, मेरा तो पूरा हो गया, लेकिन मुझे भी लक्ष्य तक पहुंचने के लिए साधन की तो नितांत आवश्यकता है। नदी पार करनी है तो नौका चाहिए, किनारे पे पहुंच के आप छोड़ देंगे नौका, वो किसी और के काम आएगी, कोई और आएगा उससे। तो ये कह रहे हैं कि कोई भी सिद्धि, सिद्धि का हमें पता लग गया कि विवेक ख्याति ही सिद्धि है जो हान का उपाय है, लेकिन वो किस साधन से हो, वो साधन हमें बताओ। तो साधन बता रहे हैं, योगांग अनुष्ठानात अशुद्धि क्षये ज्ञान दीप्ति ही अविवेक ख्याते है। ये कह रहे हैं योगांगों का अनुष्ठान करने से,
योग के जो 8 अंग हैं उनका अनुष्ठान करना पड़ेगा, और अनुष्ठान करने से क्या होगा, अशुद्धि क्षय, अशुद्धि का क्षय होने से, अशुद्धि का नाश होने पर ज्ञान दीप्ति ही ज्ञान का आलोक होता जाएगा। जितनी जितनी मात्रा में अज्ञान का नाश होगा उतनी उतनी मात्रा में ज्ञान दीप्ति होती जाएगी, और ये ज्ञान दीप्ति कब तक बढ़ती जाएगी, अविवेक ख्याते है, ये ज्ञान तब तक बढ़ता जाएगा जब तक कि ये विवेक ख्याति को प्राप्त ना हो जाए। तो ये कभी भी एक दिन में नहीं होगा, कभी भी एक दिन में नहीं होता है, कोई भी चीज नहीं होती एक दिन में। तो हमारा शरीर एक दिन में बन गया क्या, गर्भ के अंदर भी 9-10 मास लगते हैं, फिर बाहर आके भी जिस स्थिति में आज है तो उसमें 20 वर्ष लग जाते हैं, 20-25 वर्ष लग जाते हैं पूर्ण विकास होने में। तो प्रतिदिन क्या करते हैं, थोड़ा थोड़ा खाना खिलाते रहते हैं दोनों टाइम, और थोड़ा थोड़ा खिलाते खिलाते कब इसका विकास हो गया आपको ही नहीं पता। सबसे ज्यादा साक्षी तो आप ही हैं अपने, तो क्या आपको याद है किस दिन हो गया ये इतना बड़ा शरीर बढ़ते हुए दिखा, क्या नहीं दिखा, पता ही नहीं चला कब हो गया। बस रोजाना जो इसको देना जरूरी था डीजल पेट्रोल वो देते रहे हम, अपने आप हो गया। ऐसे ही ज्ञान का भी विकास ऐसे ही होता है, रोजाना जो उसको देना चाहिए आत्मा को बुद्धि को, कितना स्वाध्याय, कितना जाप, कितना ध्यान, कितनी सेवा, कितना परोपकार, वो कितना रोज कितना देना चाहिए, वो थोड़ा 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 करते जाओ रोजाना, वो कब आत्मिक विकास हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा आपको। किस दिन आप ऋषि बन गए, किस दिन आप महात्मा बन गए, किस दिन आप बड़े सन्यासी बन गए, किस दिन आप एक बड़े व्यक्ति बन गए, आपको भी नहीं पता चलेगा। तो इसलिए हमारे पाठ में एक बार इस बात की चर्चा जरूर आ जाती है कि हमें अपने प्रतिदिन के सुबह से शाम तक की जो दिनचर्या है उसके प्रति अत्यंत जागरूक होने की आवश्यकता है। बहुत आगे का सोचने की आवश्यकता नहीं है, क्या बनूंगा, क्या करूंगा, क्या मेरा जीवन होगा, उसके बारे में ज्यादा एनर्जी वेस्ट मत करो। पहले क्या हो गया, कहाँ से अविद्या शुरू हो गई, कब ये दोष मेरे अंदर आ गए, कैसे हो गया, उसके बारे में भी ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। आज सुंदर से सुंदरतर और सुंदरतम इस जो जो कार्य मैं कर रहा हूँ वो कैसे कर सकता हूँ, ज्यादा से ज्यादा हमें उसके ऊपर फोकस करना है। आज को बचाना है हमें, आज को ठीक कर लिया तो कल निश्चित रूप से सुंदर होगा ही, और आज को सुंदर कर लिया तो कल का जो असुंदर था वो भी इससे ढक जाएगा, वो भी छिप जाएगा आज सुंदर है तो। यदि तो इसलिए ये कह रहे हैं कि योग के अंगों का अनुष्ठान करने से क्या होगा, अशुद्धि का क्षय होगा, पर होगा कब, अनुष्ठान करने से, जानने से। ऐसे नहीं कहा इन्होंने कि योग के अंगों के बारे में जानकारी इन्फॉर्मेशंस इकट्ठी कर लेने से, ऐसे नहीं कहा इन्होंने, कहा अनुष्ठानात, गहरी बात है, तो ज्ञानात इतना ही कह देते बस। तो यहाँ केवल बौद्धिक ज्ञान मात्र से कभी अशुद्धि का क्षय नहीं हो सकता है, योग के अंगों का अनुष्ठान करने से अशुद्धि का नाश होगा, और वो थोड़ा थोड़ा होगा जितनी हमारी सामर्थ्य है। आज आप 20, 25, 30, 50 किलो वजन उठा सकते हैं, पर ये सामर्थ्य एक दिन में तो नहीं आई। जिस दिन आप छोटे बेबी थे उस दिन 50 किलो उठा सकते थे क्या, उस दिन तो 5 ग्राम उठाना भी मुश्किल था, हाथ से छूट जाता था सब, हाथ में पकड़ाई तो छोड़ देता है बच्चा खिलौने को भी, उसे नहीं संभाला जाता है। धीरे धीरे आ गई ये सामर्थ्य, तो ये अशुद्धि का नाश करने की सामर्थ्य भी एक दिन में नहीं आती है, पहले देखना होता है कि कहाँ कहाँ मेरे से त्रुटि होती है, कहाँ कहाँ अशुद्धि है, मन में है कि प्राण में है कि इंद्रियों में है कि विचार में है कि भाव में है, कहाँ है, और उसको पकड़ के फिर उस पर काम करना शुरू करना होता है। और शुरू करने के बावजूद भी फिर बीच बीच में वो स्थगित होगा, बीच बीच में छूट जाएगा वो, तो बीच बीच में छूटने के बाद फिर उसको करना है,
बिना हिम्मत हारे, विश्वास, आत्मविश्वास। साधक के लिए सबसे बड़ी संपत्ति है आत्मविश्वास, उत्साह, श्रद्धा। आत्मविश्वास अपने प्रति और विश्वास ईश्वर के प्रति और उन सब महापुरुषों के प्रति जिन्होंने इसको प्राप्त किया, जो इस राह से चले, उन सब ऋषियों के प्रति विश्वास और अपने प्रति आत्मविश्वास। दूसरे लोग कहें उन बातों को सुनना ही नहीं है, दूसरे लोग मजाक उड़ाएंगे, इसलिए उनके सामने कहने की भी जरूरत नहीं है कि हम क्या बनना चाहते हैं। आप बोलेंगे हम तो ऋषि बनना चाहते हैं, तो बोले हाँ ये ऋषि बनेगा भाई, तो कहने की जरूरत ही नहीं है ना। तो हमारा अपने प्रति आत्मविश्वास होना चाहिए और वो आपका आत्मविश्वास एक दिन सत्य सिद्ध होगा फिर। और ईश्वर के प्रति विश्वास, ऋषियों के प्रति विश्वास, तो ये सबसे बड़ी संपत्ति होती है साधक की। और उस विश्वास के साथ साथ फिर दूसरा जो स्वामी जी महाराज बताते हैं, पुरुषार्थ, वर्क हार्ड, मेहनत। मेहनत के बिना भी उद्यमेन ही सिद्धंति कार्याणि न तु मनोर्थई न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। तो यहाँ भी इन्होंने कहा भाई जितनी मात्रा में अशुद्धि का नाश करते जाएंगे उतनी मात्रा में ज्ञान दीप्ति आपको होती जाएगी, ज्ञान का आलोक होता जाएगा और वो तब तक बढ़ता जाएगा जब तक कि विवेक ख्याति को प्राप्त ना हो जाए। योगंगानी अष्टौ अभिध्यायिष्यमाणानी, कह रहे योग के अंग ऊपर का ना, योगांग अनुष्ठाना, तो योग के अंग कितने हैं, तो बोले आठ हैं। योगंगानी अष्टौ अभिधायिष्यमाणानी, अभिधायिष्यमाणानी माने कथयिष्यमाणानी, कहे जाने वाले हैं आगे। योग के आठ अंग हैं जो आगे कहे जाने वाले हैं। तेषाम अनुष्ठानात, उनका अनुष्ठान करने से, पंच परमाणु विपर्यस्य अशुद्धि रूपस्य क्षय नाशः। तेषाम अनुष्ठानात, उनका अनुष्ठान करने से, उन आठ योग के अंगों का अनुष्ठान करने से, उनको जीने से, पंच परमाणु विपर्यस्य, पांच पर्व वाले विपर्य का, मिथ्या ज्ञान का। पांच पर्व कौन से हैं? अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये जो पांच पर्व हैं। तो पंच पर्वण विपर्यस्य, पांच पर्व वाले मिथ्या ज्ञान का, अविद्या का, अशुद्धि रूपस्य, जो कि अशुद्धि रूप है उस मिथ्या ज्ञान का, क्षय, उसका नाश हो जाता है। क्षय मतलब नाशः। तत्क्षये, और उसका नाश होने पर, सम्यक ज्ञानस्य अभिव्यक्ति, सम्यक ज्ञान की अभिव्यक्ति हो जाती है। सम्यक ज्ञान है अभी भी, लेकिन यहाँ उत्पत्ति नहीं कही सम्यक ज्ञान की, अभिव्यक्ति, क्योंकि अविद्या ने ढक रखा है, वो है ना उपनिषद का मंत्र, सत्यस्य पिहितं मुखम, क्या है, हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्य पिहितं मुखम, तत्त्वं पूषन अपावृणो सत्य धर्माय दृष्टये। तो वो ढका हुआ है सत्य का मुख, सत्य तो है, सम्यक ज्ञान तो है, आत्मा का स्वभाव ही वो है ना, ज्ञान स्वरूप है आत्मा, लेकिन वो अविद्या से ढका हुआ है। तो कह रहे हैं अविद्या का नाश होने पर, तत् क्षय, उस अविद्या का या विपर्य, ये विपर्य का क्षय होने पर, सम्यक ज्ञान से अभिव्यक्ति, सम्यक ज्ञान की अभिव्यक्ति हो जाती है। यथा यथा च साधनानि अनुष्ठीयन्ते तथा तथा च तनुत्वम् अशुद्धिः आपद्यते। वही बात बता रहे हैं भाष्यकार भी।